चीन अब रूस के समर्थन में खुलकर सामने आया है। पिछले हफ्ते फ्रांस में चीन के राजदूत लू शाय के एक इंटरव्यू में दिए गए बयान के बाद यूरोप में विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद अब चीन को स्पष्टीकरण देना पड़ा है। लू शाय ने एक सवाल के जवाब में कहा था, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पूर्व सोवियत संघ देश एग्जिस्ट ही नहीं करते और ये आज भी सोवियत यूनियन का ही हिस्सा है। ये वो ही लू शाय है जो कोविड के समय में भी यूएसए पर कोविड को दुनिया भर में फैलाने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार ये फंस गए, क्योंकि अगर यूक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस जैसे कोई देश एग्जिस्ट नहीं करते और अगर ये अभी भी सोवियत यूनियन का हिस्सा है तो रूस जैसा देश भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि रूस भी सोवियत यूनियन का ही हिस्सा है, न कि खुद ही सोवियत यूनियन। जब चीन ने खुद को फंसते देखा तो इन्होंने अपने राजदूत लाए के बयान से पल्ला झाड़ लिया और चीनी विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली कहा कि चीन सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के बाद रेलिवेंट रिपब्लिक्स के सॉवरन स्टेट के स्टेटस का सम्मान करता है, लेकिन हम ये बात बिल्कुल भी नहीं भूल सकते कि चीन रूस का मुख्य सहयोगी देश है और चीन ने अभी तक पिछले साल यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की आलोचना तक नहीं की है। यूक्रेन में शांति लाने के प्रयासों में चीन अपने आप को अहम खिलाड़ी के रूप में देखता है, लेकिन इसी दौरान चीन के रूस के साथ कारोबारी रिश्ते भी मजबूत हो गए हैं। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके बाद रूस चीन की नजदीकियां और भी बढ़ी है। वेस्टर्न कंट्रीज पहले से ही यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर चीन की निष्पक्षता पर शक करते रहे हैं, जो अब यकीन में बदल चुका है, क्योंकि चीन पर कोई शक करे या ना करे, लेकिन यूक्रेन के लिए ये बात क्लियर हो चुकी है कि चीन यूक्रेन के खिलाफ ही खड़ा है, क्योंकि यूक्रेन ने खुद चीन के राजदूत के इस स्टेटमेंट को बेतुका करार दिया है। रूस ने 2014 में क्राइमिया को यूक्रेन से छीन लिया था, जिस पर पिछले हफ्ते राजदूत लू शाय से क्राइमिया के स्टेटस पर सवाल किया गया था। पत्रकार ने तर्क दिया था कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से क्राइमिया अभी भी यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन लू शाय ने इस बात को यह कहकर टाल दिया कि ऐसे कोई भी देश एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इंटरनेशनली इनको कोई भी ट्रीटी के तहत इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस नहीं दिया गया है। मतलब अब चीन खुलकर लाइव टीवी पर झूठ बोलने लगा है, क्योंकि बेलो वीजा अकॉर्ड्स के अंडर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे ये बात एक्नॉलेज की गई थी कि अब यूएसएसआर जैसा कोई भी देश एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसके बाद बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज उभर कर सामने आएंगी। खैर, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि संगति का असर तो पड़ता ही है। अब आप पाकिस्तान जैसे निकम्मे देश से दोस्ती करेंगे तो उसकी आदतें तो आप में आएंगी ही ना, इसलिए कुछ ऐसा ही हाल चीन के साथ भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया डिजिटल।